तो मेरे भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। सर्दियों में हम लोगों के पास काफी सारे क्लोथिंग आइटम्स के ऑप्शंस होते हैं, बट जो आइटम आपके पास होना ही चाहिए सर्दियों में पहनने के लिए वो है जैकेट्स। अब मार्केट में आपको जैकेट्स की कई सारी वैरायटीज मिल जाती है, जिसमें आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे कौन सी जैकेट लेनी चाहिए जो बजट के अंदर भी हो और जिसे पहनकर मैं दिखने में स्टाइलिश भी लगूं और एट द सेम टाइम वो मुझे ठंड से भी बचाए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 5 ऐसी बेस्ट विंटर जैकेट्स के बारे में जो कि आपके पास होनी चाहिए, जिनमें आप दिखने में सुपर स्टाइलिश लगोगे। और उन जैकेट्स को यूज करके आप कौन कौन से आउटफिट्स बना सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको वीडियो के एंड में उन सभी जैकेट्स की टॉप ब्रांड्स भी सजेस्ट करूंगा जो आपको काफी कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स दे रही है, जिनका परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सर्दियों की शॉपिंग करने जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहली जैकेट है जो कि सर्दियों में आपके पास होनी चाहिए वो है डेनिम जैकेट। भाई आपके पास कोई जैकेट हो या ना हो, बट आपके पास एक डेनिम जैकेट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि डेनिम जैकेट बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होती है, जिसे आप हुडीज के साथ पहन सकते हो, टर्टल नेक्स के साथ पहन सकते हो और इसके अलावा आप इसे अपनी नॉर्मल टी शर्ट या शर्ट के साथ भी इजिली पहन सकते हो। वैसे तो मार्केट में आपको कई तरह की डेनिम जैकेट्स मिल जाएंगी, जिनमें आपको बहुत ही अतरंगी कलर्स मिल जाएंगे। ऐसी जैकेट्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। डेनिम जैकेट आपको सिर्फ ब्लैक या ब्लू कलर में लेनी है, जो कि सबसे सेफ और सबसे वर्सटाइल कलर ऑप्शन है, जिन्हें आप डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। डेनिम जैकेट को लेते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी जैकेट की लेंथ है वो आपकी बेली के नीचे के इस हिस्से पर खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपकी जैकेट की लेंथ इससे बड़ी होगी तो वो दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर बात करूँ कि आप डेनिम जैकेट के साथ कौन कौन से आउटफिट बना सकते हो, तो वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी जैकेट है जो सर्दियों में आपके पास होनी चाहिए वो है बॉम्बर जैकेट। भाई बॉम्बर जैकेट एक मस्ट हैव क्लोथिंग आइटम है जो कि कई सालों से ट्रेंड में बनी हुई है और ये आगे भी 3-4 साल तक ट्रेंड में रहने वाली है। बॉम्बर जैकेट डेनिम जैकेट की ही तरह बहुत वर्सटाइल होती है, जिसे आप हुडीज के साथ पहन सकते हो, टर्टल नेक्स के साथ पहन सकते हो और इसे आप अपनी नॉर्मल टी शर्ट के साथ भी आसानी से पहन सकते हो। अब बॉम्बर जैकेट भी आपको मार्केट में कई तरह की मिल जाएंगी, जिनमें बहुत सारे पैचेस वगैरह लगे होते हैं। ऐसी जैकेट्स को आपको अवॉइड करना है। आपको सिर्फ प्लेन जैकेट लेनी है जो कि इस तरह की जैकेट के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी लगेगी। बॉम्बर जैकेट में आपको मटेरियल्स भी काफी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि स्वेट मटेरियल, पॉलिस्टर मटेरियल और लेदर मटेरियल वगैरह। आप इनमें से किसी भी मटेरियल की बॉम्बर जैकेट ले सकते हो। अगर बॉम्बर जैकेट्स के कलर्स की बात करूं तो आपके लिए ब्लैक कलर सबसे पहला ऑप्शन होगा खरीदने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई और कलर ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए नेवी ब्लू, ओलिव ग्रीन और मरून कलर सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे। बॉम्बर जैकेट के साथ आप कौन कौन से आउटफिट बना सकते हो तो वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो भाई तीसरी जैकेट है लेदर जैकेट। भाई ये एक ऐसी जैकेट है जो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप सभी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट और स्टाइलिश दिखना चाहते हो। तो इस जैकेट को अगर आप प्योर लेदर मटेरियल में लोगे तो वो आपको काफी महंगी मिलेगी, बट अगर आप कम पैसों में एक अच्छी लेदर जैकेट को लेना चाहते हो तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेदर जैकेट नॉर्मली आपको ब्लैक और ब्राउन कलर में इजिली मिल जाएगी, बट मेरी मानो तो आपको सिर्फ ब्लैक कलर को ही प्रीफर करना चाहिए, जो कि वर्सटाइल भी होता है और ब्लैक लेदर जैकेट दिखने में भी काफी प्रीमियम लगती है। लेदर जैकेट बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है बाइकर लेदर जैकेट और एक होती है कैफे रेसर लेदर जैकेट, जिसमें से आपको सिर्फ बाइकर लेदर जैकेट लेनी चाहिए, जो कि कैफे रेसर लेदर जैकेट के कंपैरिजन में ज्यादा स्टाइलिश लगती है। इस जैकेट के साथ आप इन सभी आउटफिट्स को बना सकते हो जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चौथी जैकेट है एक पफर जैकेट, जिसे पैडेड जैकेट भी बोलते हैं। भाई अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है या आपको ठंड में बाइक चलानी पड़ती है, तो इस सिचुएशन में आपके लिए पफर या पैडेड जैकेट सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी। इस जैकेट का काम ही यही होता है कि ये आपकी बॉडी को ठंड से प्रोटेक्ट करे। ये जैकेट नॉर्मली आपको नायलॉन या पॉलिस्टर मटेरियल में मिलती है, जो कि थोड़ी फुली फुली होती है। इस जैकेट में आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट आपको सिर्फ ब्लैक या ग्रे कलर की पफर जैकेट को ही प्रीफर करना है, जो कि एकदम प्लेन होनी चाहिए। इस जैकेट के साथ आप कौन कौन से आउटफिट बना सकते हो तो वो आपके स्क्रीन पर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो भाई पांचवी और लास्ट जैकेट जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक ब्लेजर। भाई जो जैकेट्स मैंने आपको अभी बताई हैं, उन्हें आप कैजुअली कहीं पर भी पहनकर जा सकते हो, बट अगर आप किसी की शादी या पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो इस सिचुएशन में एक ब्लेजर बहुत अच्छे से काम करता है। अब ब्लेजर को ज्यादातर दूर के रिश्तेदारों की शादी में पहना जाता है। पास के रिश्तेदारों की शादी में पहनने के लिए आपके पास ब्लेजर के अलावा काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। एक ब्लेजर को लेते टाइम सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हमें ब्लेजर को रेडीमेड लेना चाहिए या उसे सिलवाना चाहिए। तो मेरी मानो तो आपको ब्लेजर को अपनी बॉडी के हिसाब से सिलवाना चाहिए, जो आपकी बॉडी पर काफी अच्छे से फिट होगा कंपेयर टू रेडीमेड ब्लेजर। और अगर कलर्स की बात करूं तो आपके लिए ग्रे, नेवी ब्लू और मरून कलर सबसे बेस्ट ऑप्शंस होंगे। और रही बात आउटफिट्स की, तो आप ब्लेजर के साथ इन सभी आउटफिट्स को बना सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई फाइनली अब
बात करते हैं इन सभी जैकेट्स की टॉप ब्रांड्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं डेनिम जैकेट के बारे में, जिसमें ये दोनों ब्रांड्स आपको काफी अच्छी डेनिम जैकेट दे रही है, वो भी बहुत कम प्राइस में। आप इन दोनों ब्रांड्स को डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। दूसरी जैकेट है बॉम्बर जैकेट, जिसमें रोडस्टर ब्रांड आपको काफी अच्छी क्वालिटी की बॉम्बर जैकेट दे रही है। तीसरी जैकेट है लेदर जैकेट, जिसमें लेदर रिटेल ब्रांड आपको काफी सही क्वालिटी की बाइकर लेदर जैकेट दे रही है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से चेक करना। चौथी जैकेट है पफर जैकेट, जिसकी बेस्ट ब्रांड के बारे में बात करूं तो आपको ये दो ब्रांड्स काफी अच्छी क्वालिटी की पफर जैकेट दे रही है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। पांचवी और लास्ट जैकेट है ब्लेजर, जिसे आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग स्टिच करवाओगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो भाई ये हैं वो जैकेट्स जिनमें से आप किसी भी जैकेट को खरीद सकते हो अपने बजट और अपनी जरूरत के हिसाब से। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो मैं आपको अपनी ये दो वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा, आप इनको एक बार जरूर से देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।